गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PBR स्टडी में। आइए हम लोग करते हैं शुरुआत कुछ अच्छे सवालों से। आज है शनिवार और शनिवार के दिन आपकी होती है कुछ विशेष क्लास, तो आज आपकी विशेष नहीं, आज स्पेशल क्लास होगी। हाँ जी, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में समझिए। तो इसमें हम लोग जो भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, मतलब कि ये मास्टर क्लास होगी। तो जल्दी से इन जानकारियों को नोट करें और PBR स्टडी इलाहाबाद को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। चलिए, हम सभी आज जो क्वेश्चन यहां पर हल करेंगे, वो एक प्रकार से ये जान लो कि आप लोग ही करोगे, हम नहीं करने वाले। 6 दिन सप्ताह में हम हल करते हैं, आज आपके लिए वक्त निकाले हुए हैं, तो आप सवालों का जवाब बताना। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ऊपर, ठीक ना, और पूरा क्लास को देखना, भागना मत बिल्कुल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, SQUARE, यही होता है ना, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के बारे में साथियों आप जानते हो, गुणनखंड विधि से होता है, भाग विधि से होता है ना। तो आप सभी इनको भाग विधि से हल करना। क्या करना है? भाग विधि से वर्गमूल। देखिए, आप लोगों को हम एकाध छोटा मोटा करा देंगे सवाल पहले, लेकिन आप होमवर्क नोट करो, ठीक ना। ये होमवर्क हम देने वाले हैं आज आपको ढेर सारा। आज सैटरडे है और आप लोग बहुत ही मेहनत करोगे, आज ही नहीं उम्मीदों के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और आज ज़्यादा क्लास नहीं होगी, याद रखना, ज़्यादा क्लास नहीं होगी। आज सैटरडे है तो बहुत कम क्लासें होती हैं, जो स्पेशल क्लास होंगी आपको सूचित किया जाएगा। भाग विधि से वर्गमूल में साथियों, जैसे कि अगर हमने आपको दे दिया 10, अक्सर भाग विधि से वर्गमूल उन्हीं संख्याओं का किया जाता है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, जो संख्याएँ परफेक्ट रूट नहीं होती हैं, उन्हीं का वर्गमूल भाग विधि से किया जाता है, क्योंकि गुणनखंड विधि में तो परफेक्ट रूट जो होती है उनका हो जाता है। तो जैसे 10 है ना, इसका नहीं होगा, तो इसके लिए साथियों कुछ ऐसे ही बनाते हैं ये, ठीक ना। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करते हैं, हाँ दशमलव लगा के यहाँ जोड़ा बना लेते हैं, दो दो का ऐसे पीछे से, चाहे जितना जोड़ा बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई ऐसा कहा है सवाल में कंडीशन की दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालिए, 5 अंक तक निकालिए, तो उतना जोड़ा बनाते हैं। तो फिलहाल एक आध दो हम लोग बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या का वर्ग करिए जिसका वर्ग 9, मतलब 10 से कम रहे या 10 से ज़्यादा ना हो, तो वो होगा 3। और ये इसको ऐसे लिखते हैं, 3 3 9। अब इसको इसमें से घटाएँगे तो 1 आएगा। इधर वाली संख्या साथियों ऐसे जोड़ लिया जाता है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, ऊपर से एक जोड़ा उतार लोगे जीरो वाला, लेकिन 3 बार पहले गया था ना वर्गमूल, तो ऊपर भी ले जाओगे साथ में। दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारे हो इसलिए ऊपर दशमलव बढ़ जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना कितना आ गया, ये 100 हो गया ना, 100 हो गया ना। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप 1 बार लगभग ले जाओगे, 1 बार ले जाओगे तो 61 आएगा ना। ये इसका गुणा करते हैं, याद रखना, ये गुणा करते हैं इसका, 61 आएगा। ये घटा लोगे तो 39 आएगा, यानी दशमलव के बाद 1 बार गया, ठीक। अब देखना ये जुड़ेगा 1 1 2। देखो मैं गुणा वाली बात कहाँ से बता रहा था, ये जो गुणा करके तो यहाँ लिखते हैं, बाकी लास्ट में इसको जोड़ते हैं, और ये 6। अब देखिए, इसके बाद दशमलव के बाद अगर एक ही अंक तक ले जाना है तो छोड़ दो, हो गया। लेकिन अभी एक बात यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, तो ऊपर से हम 0 उतार सकते हैं, जोड़ा तो मैंने बनाया है, तो दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 2 0 उतार लेंगे। अब ध्यान देना, 6 का भाग 39 में कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। तो साथियों अगर हम 6 बार ले जाएंगे तो 62 के बाद में यहाँ 6 लिखेंगे, नीचे भी 6 लिखेंगे, और फिर उस आधार पे हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 6 36 हासिल 3, 6 2 12,
3 15 6 6 36 1 37 3756 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा फिर? 6 बार जाएगा, 3756 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो वर्गमूल आ गया भाग विधि से आपने देखा वो कितना आया, अंडर रूट 10 का वर्गमूल आया लगभग में 3.16 के आसपास आया ना। लेकिन अगर इसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से बोलें तो शायद गुणनखंड विधि से संभव नहीं होगा। जिनको जिनको इसको लिखना है जल्दी से लिख लें बिना देर करे हुए, अभिलंब लिख लें और फिर हम लोग बहुत फास्ट ट्रैक पे ढेर सारे सवाल आज करने वाले हैं। हो गया ना, चलें आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, क्वालिटी एकदम फुल एचडी दिख रही है। जिनको भी अगर कोई कन्फ्यूजन है वो सेटिंग से क्वालिटी चेंज कर लें, एकदम मस्त दिखेगा। जो भी छात्र छात्राएं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए जल्दी से कर दें तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे उन्हें सारी अपडेट मिलती रहे। हाँ तो साथियों इसमें होमवर्क लिख लो फटाफट बिना देर करे हुए। पहला सवाल है आपका आज होमवर्क के लिए, अंडर रूट 44 और 89 इसका क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल बताना। ये दूसरा सवाल है साथियों इसी में, वो है 49 284 इसका भी भाग विधि से वर्गमूल बताना। ये सब हम बता चुके हैं, क्लास नंबर 18 में है ये, कक्षा 8 वाली मैथ में। इसके बाद एक छोटा सा सवाल का जवाब देना सी नंबर में, वो क्या कह रहा है कि अंडर रूट 1681/49 इसका भी बताना, ठीक ना। ये होमवर्क है आप सभी के लिए, करना ज़रूर। हाँ एक सवाल और लिखिए आप सभी लोग फटाफट, वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए, मान लेते हैं कि 4 5 यहाँ हो गया। वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कुछ समझ में आया? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे किसमें जोड़ने को बोल रहा है। उनचास 31 में जोड़ दे, जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए बताइए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 49 31 में जोड़ दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। साथियों ऐसे जो सवाल होते हैं उनको क्या करते हैं, पहले तो हम हल करते हैं और हल करने के बाद लास्ट तक उनको हल करते हैं, ठीक ना। और जब हम लोग को मालूम चल जाता है कि इसका आंसर फाइनल होने वाला है तो उसी छोड़ देते हैं। जैसे सवाल में क्या कह रहा था कि वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 49 31 में जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। साथियों देखिए जो भी सवाल दिया है इसके गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग। ये देखो 49 31 है ना, फैक्टर तो निकालना आप सभी को आता ही है। 7 भाग जाएगा इसका, 7 बार 49 आएगा। 31 ले लिया, ये ऐड करोगे तो 7 7 14 हो गया, ठीक। इसमें कोई सवाल होगा तो निसंकोच बताना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान देना, हमारे कहने का मतलब क्या है साथियों,
इसका वर्गमूल तो कर लोगे वैसे आप लोग ना। ये जो 31 आया ना, अब 1 बार जाएगा कम से कम भाग, उससे कम तो नहीं जाएगा। तो 1 बार भाग ले जाओगे तो यहाँ 141 आएगा। 141 यानी कि उल्टा सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस में 110 भी आएगा। कितना आएगा? माइनस में 110। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 10 ही में होगा, कुछ और होगा? तो साथियों, ये वर्गमूल और घनमूल की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रहने चाहिए। और बाकी आपको बता दें कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो निकालना होता है, उसे आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो ऐसे। बाकी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। और अगला चैप्टर इसके बाद जो हम लोग रिवीजन करेंगे अगले सैटरडे को, उसमें कुछ अलग होगा। हाँ, तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, फ्री की क्लास देखते रहिए। जो भी छात्र छात्राएं हमारे पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग संपर्क करें। ये नंबर आपके लिए दिया गया है, इस पर संपर्क करके और वो क्लास को पेड करें और ज्वाइन करें। इस तरह से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, अपरंपार मिलेंगी बाबू। ठीक है ना? अब यहाँ लिख लो जल्दी से pvrstudy.com, इस पर विजिट करना नहीं भूलना, ज़रूर विजिट करना। और pvrstudy ग्रुप और pvrstudy.com, ये तो चैनल का नाम है, ये वेबसाइट का नाम है। इन सभी से जुड़ जाना और सब्सक्राइब करके रखना। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जय हिंद। फिर से मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। आज ज़्यादा क्लास नहीं होगी, याद रखना, बहुत कम क्लासें होंगी आज। और हाँ, आप लोगों के कोई और सवाल हैं तो बोल सकते हो।